Friend, myself is Nagesh Pandey. Once again, I present with you, and I like to draw your attention towards chapter "Where We Play," class standard 5, GK. Where we play means जहाँ हम खेलते हैं. In column A, write where these sports are played. अर्थात इस चैप्टर में नीचे लिखे खेल कहाँ खेले जाते हैं, इन स्थानों का नाम लिखना है. अर्थात कॉलम ए में विभिन्न प्रकार के खेलों का चित्र दिया गया है, साथ ही इसकी सूची लिखी जाती है. इसके बगल में खेले जाने वाले स्थानों जगहों का डब्बा दिया गया है. इस डब्बे में खेले जाने वाले खेलों को सूची से छाट कर इन रिक्त स्थानों में लिखना है जहां इसे खेला जाता है. इसे निम्न प्रकार से लिखें. नंबर वन, फील्ड. ये सारा खेलों का बगल वाले में ग्राफ बना चित्र बनाया हुआ है. फील्ड के ब्रैकेट में फील्ड काली जगह में लिखें क्रिकेट और फुटबॉल. नंबर टू में कोर्स लिखा हुआ है. कोर्स के सामने वाले काली जगह में गोल्फ GOLF लिखें. नंबर थ्री कोर्ट के सामने वाले खाली जगह में बास्केटबॉल टेनिस बैडमिंटन लिखें. उसके नीचे रेंज के सामने खाली स्थान में शूटिंग SHOOTING तथा इंडोर आर्चरी INDOOR ARCHERY लिखें. रिंग वाले खाली जगह में रोलर स्केटिंग ROLLER SKATING तथा आइस स्केटिंग ICE SKATING लिखें. अब आए बी कॉलम में रीड द क्लूज एंड इन सर्किल द प्लेस वेयर ईच ऑफ द स्टेडियम इज लोकेटेड. इसमें नीचे लिखे गए स्क्रीन पर लिखे गए रहस्यों को पढ़कर उस स्थान वाले रहस्य को गोलाकार घेरा लगाए जहाँ ये प्रत्येक स्टेडियम अर्थात खेल का मैदान अवस्थित है. नंबर वन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड. यह विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम है. अतः नंबर वन में ए में सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता है. इसे सर्किल करें अर्थात चिन्ह लगाएं. नंबर टू, इट इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. यह भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है तथा विश्व में यह दूसरे नंबर पर क्रिकेट का स्टेडियम है. अतः दो नंबर में बी ईडन गार्डन्स EDEN GARDENS कोलकाता पर घेरा लगा है. नंबर थ्री, इट वॉज द मेन स्टेडियम यूज फॉर द मेजर स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ 19 कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010. वर्ष 2010 में खेले गए 19वीं कॉमनवेल्थ में खेलों का अधिकांश खेलों का नज़ारा के लिए इसी मुख्य स्टेडियम का मेजर स्पोर्टिंग इवेंट प्रमुख खेलों की घटनाओं का उपयोग किया गया था यानी खेला गया था.
अतः तीन नंबर में बी के राज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली JAWAHARLALNEHRU स्टेडियम STADEIUM दिल्ली को गोल घेरा लगाए नंबर बी में। नंबर फोर, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम टू हैव ए कंसर्ट लेवल रेनपोस्ट म्यूजिक सिस्टम। यह विश्व का पहला क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें संगीत कार्यक्रम के स्तर पर प्रचलित पद्धति है। अतः चार नंबर में ए, DYPATIL स्टेडियम STADIUM नवी मुंबई अर्थात नंबर ए को गोल घेरा लगाए DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। ठीक है, नंबर फाइव, दिस स्टेडियम ऑल्सो सर्व्स एज वेन्यू फॉर नेशनल बैंड इम्पोर्टेंट एग्जीबिशंस एंड समटाइम्स फॉर पॉलिटिकल रैलीज एज वेल एज अर्थात इस स्टेडियम का उपयोग राष्ट्रीय घटना के लिए स्थल के रूप में मुख्य प्रदर्शनी के लिए और कभी कभी राजनीतिक रैली या गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतः पाँच नंबर में ए को गोल घेरा लगा है। ए मीन्स कालूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोची KALOOR INTERNATIONAL स्टेडियम कोची में गोल घेरा लगा है। नंबर सिक्स, इट इज द लेटेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया अर्थात यह भारत में सबसे नवीनतम आधुनिक क्रिकेट खेल का मैदान और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अतः छ नंबर के ए, नंबर ए रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में गोल घेरा लगाए रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर ए को गोल घेरा लगाए। रैपिड फोर्स हाँ रीच स्टेडियम इज ऑल्सो नाउन एज मोटेरा स्टेडियम। रैपिड फोर्स में किस स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? आंसर में लिखें सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। नो मोर अधिक जाने सिल्वर मेडल लिस्ट सीमा पुनिया एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नवजीत ढिल्लों सेलिब्रेट देयर विन इन द ओमेंस डिस्कस थ्रू फाइनल पुनिया सक्सेसफुली गोट पास द 16-meter मार्क विथ हर बेस्ट थ्रो ऑफ 16.41 meter इन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू बैग सिल्वर अर्थात सीमा शक्ति फेंकने सीमा पुनिया तथा सीमा पुनिया तथा सीमा पुनिया तथा ब्रॉन्ज मेडल विजेता नवजीत ढिल्लों ने महिलाओं के चपटी फेंकने के अंतिम दौर में प्राप्त सफलता अर्थात जीत का उत्सव मनाई। महिलाओं द्वारा
शक्ति फेंकने के अंतिम दौर में सीमा पूनिया ने 60 मीटर के दिए गए चिन्ह को पहली प्रयास में सफलतापूर्वक पीछे ढकेलते हुए 16.41 मीटर दूरी तक शक्ति फेंकी और सिल्वर विजेता बन गई। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट विथ सम मोर फैक्ट्स। थैंक्स।